दीर्घ रोग है किसी को और डॉक्टर के पास जाता है, वो बहुत वीक हो गया है, कमज़ोर घना हो गया है, तो जाते ही डॉक्टर ग्लूकोस लाता है। ग्लूकोस जो है ये रोग नाशक नहीं है, ये सहयोगी है उस उपचार में। शरीर को पानी का अभाव पूरा करती है, कुछ शरीर को शक्ति देती है, लेकिन रोग नाश नहीं होता इससे। ये भी आवश्यक है क्योंकि हम चौथे युग में आ गए, अभी तक ट्रीटमेंट ठीक हुआ नहीं, हम कति कंडम हो लिए, तो यहाँ अब पांचों यज्ञ ये ट्रीटमेंट करना अनिवार्य है आपका। पांचों यज्ञ भी करनी पड़ेंगी। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे दान करते हो भक्त, इसमें से आपका यहाँ भंडारा चलता है, आश्रम बनाया जा रहा है, आपकी रजाई गद्दों का व्यवस्था होती है, दुखी आत्मा आती हैं, आते यहाँ शांति प्राप्त होती है, भगवान की कथा सुनते हैं, तो आपके द्वारा दिया गया दान आपको आबाद कर देगा। ये स्थान है वो दान करने का। और एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, परमात्मा का जो याद बनी रहना, उसकी भूल ना पड़े, उसकी रह रह कर याद आवे, दिस इज मेडिटेशन। वो हठ योग मेडिटेशन नहीं बख संतों का, ये सहज समाध है, सहज ध्यान है, ये इसको ध्यान बोलते हैं। तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत जलाई जाती हैं, ये हवन यज्ञ होता है। और चौथी यज्ञ प्रणाम, जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ बनता है। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, स्वाध्याय करना, सत्संग श्रवण करना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जैसे ये ज्ञान यज्ञ करते रहे उसका भी लाभ है, लेकिन जब तक ये नाम नहीं होगा, ये तो ग्लूकोज है, ये पांचों यज्ञ समझो ये ग्लूकोज है, और केवल सपोर्ट शरीर को देने के लिए, रोग नाशक नहीं है। इसके लिए ये मंत्र जो मंत्र हैं ये रोग नाशक है, और इनके बिना कोई लाभ नहीं। तो ये पांचों यज्ञ और साथ में ये मंत्र ओम, ये हम ब्रह्म को दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका प्रतिफल हम नहीं लेंगे। और जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है उसकी, और साथ में ये यज्ञों का, हमने जितनी आवश्यकता होती है परमात्मा हमें यहाँ उन समय से देते रहते हैं। हमारे बहुत, जब हम मर्यादा में रहेंगे, ये सत्साधना करेंगे, तो परमात्मा ही हमारे सब भक्ति की रक्षा करता है। योग अक्षेम यानी भक्ति की रक्षा वही करता है, हर तरह से सुचारू रखता है, हमें व्यर्थ धन नहीं करने देगा। हम बेमतलब की डिमांड करेंगे, ये बना लें, वो बना लें, ये कर लें, अगर वो भक्ति चाहता है तो ये बकवास छोड़नी पड़ेगी, भगवान पर आश्रित होना पड़ेगा, जो परमात्मा दे करे वही ठीक होगा, हमारे हित में होगा। जैसे आप जी हॉस्पिटल में पहुंच गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने आपको एडमिट कर लिया, तो वहाँ मरीज की नहीं चल रहा बिल्कुल भी, मरीज की नहीं चलेगी वहाँ, डॉक्टर की चलेगी, और डॉक्टर की चलने में हमारा हित होगा। आप चाहते हो कि मैं थोड़ी सी चीनी खा लूँ, डॉक्टर कहता आपको शुगर ज़्यादा है, ये नहीं टच करना, और आप फिर भी खाते हो तो मरो, आपको बीपी हाई हो गया और आपको मना किया है कि नमक नहीं खाना, घी नहीं प्रयोग करना, और आपकी फिर भी इच्छा है कि घी खा लूँ, तो डॉक्टर तो अलाउड करे नहीं, और फिर भी तुम खावा तो मर भाई। तो ऐसे ही यहाँ आप प्रथम बार तो जो प्राणी आते हैं वो दुखी आते हैं कि हमें तो संकट का निवारण हो, हमारे दुख दूर हो, हम धनी हो जाएं। तो ये तो आप पल्ला गांठ लगा लो, ये तो होंगे ही होंगे, आपका संकट भी दूर होगा, आप धनी भी हो जाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, ये शास्त्र अनुकूल साधना, भगवान का विधान है कि इससे तो लाभ होगा ही होगा आपको। लेकिन केवल ये ज्ञान इसलिए दिया जाता है, आप इन्हीं तक सीमित ना रहना। आज एक संकट निवारण हो गया आपका और आप चले गए, ठीक हो गया, हमें राहत होगी, हमें क्या आवश्यकता वहाँ जाने, और फिर 20 और आ जाएंगे कर्म के, पता नहीं कितने, फिर उनको कौन खत्म करेगा। तो यहाँ आपके जीवन में आने वाले प्रारब्ध के अंदर भी जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो भी इन एडवांस खत्म किए जाएंगे, और आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी वही दी जाएगी, और आप बेमतलब की वस्तु मांगोगे भगवान नहीं देगा, जो आपके इस उपचार में बाधक होगी। पुणात्माओं,
इतना ज्ञान दास आपको बता रहा है। शाम को 3 घंटे सत्संग किया, वैसे भी 2-2 घंटे तकरीबन कोशिश करता हूँ कि हर तरह से हर पहलू पर विचार देकर, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में बच्चे बदलते रहते हैं और पुण्य आत्मा है वो लगातार रहते हैं उनके से, तो फिर पुण्य है ही नहीं किसी के, वो तो रंगे जाएंगे भगवान के रंग में। लेकिन जो थोड़ा समय प्राप्त होता है उनको, उनको भी दास चाहता कि सब तरह के मिश्रण साथ एक बार खिला दूं ताकि इनको कुछ विश्वास दृढ़ हो। तो इतना ज्ञान दिया जाता है, इसका उद्देश्य ये नहीं है, नहीं तो आपको नाम दे दूं और तुम ऐसे करो, ठीक है वो छोटे मोटे राह तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आप यहाँ दृढ़ नहीं हो सकते, ज्ञान के बिना आप यहाँ रुक नहीं सकते। और ज्ञान से ही आदमी को पता चलता है, आत्मा को, कि कौन सा अहित है और कौन सा हित है। आप यहाँ उद्देश्य लेकर ये आओ कि हमारा जन्म और मृत्यु का रोग कटे, ये रोग नहीं कटाते, छोटे मोटे रोग तो ईव एक कट गया तड़के दूसरा शुरू हो जाएगा, अगर ये भगवान से दूर चले गए तो कल को और रोग हो जाएगा। तो हमने परमात्मा की शरण में रहना है, और जो आपको आवश्यक वस्तु होंगी देगा भगवान आपको, अवश्य देगा, और ना भाग्य में होगा तो भी देगा। लेकिन हमारी इच्छाएं बहुत सीमित हों, परमात्मा ने उदाहरण दे रखा है, स्वयं एक मजदूर बनकर रहे, जुलाहा बनकर रहे, झोपड़ी में रहे, और हमें ये उदाहरण देने के लिए कि गरीब से गरीब आदमी भी परमात्मा पा सकता है। अब प्रसंग चल रहा है, वहीं इसी टॉपिक पर आते हैं कि अब हम त्रिकुटी पर पहुंच गए। त्रिकुटी पर पहुंचने के उपरांत अब उस सतनाम के 2 मंत्र हैं, उनमें से 1 मंत्र का अकाउंट हमने त्रिकुटी पर देना है, तब हम आगे प्रस्थान कर सकते हैं, नहीं वहाँ से आगे नहीं जाने देगा ये। तो वहाँ परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में, गुरु के रूप में, और जिस भी पुण्यात्मा की जैसी आस्था इस दास के प्रति आज बनी हुई है तो त्रिकुटी पर भी ऐसी ही होगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कई हैं अंध, अंधे हैं वो, और महादुखी संसार में फिर आ गई हम के फंद। आपने गुरुजी को परमात्मा के तुल डील करना है, ये दास भगवान नहीं है, मुझे अपनी औकात का खूब पता है, लेकिन आप जी ने इस दास को एज ए रिहर्सल और इस जन्म मृत्यु के रोग की इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए मानना पड़ेगा गुरुजी हमारे भगवान है। अब जैसे एक ऋण गणित के अंदर ऋण का एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, वो मूलधन करोड़ों अरबों रुप का होता है, रुपए का, उस करोड़ों अरबों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये और फिर उससे हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। फिर उस 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन 100 रुपये मूलधन माने बिना वो उस प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती, वो प्रश्न हल नहीं हो सकता, और 100 रुपये मूलधन मानते ही वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी और वो मूलधन मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। तो इस दास को आप जी ने गुरु को सपोज करना पड़ेगा, गुरु इज गॉड, और ऐसे नहीं मानोगे तो आप फिर जहाँ भगवान होगा इस दास के रूप में, क्योंकि परमात्मा ने आपके पहचानो, अगर दूसरे रूप में खड़ा होगा तो आप बात भी को नहीं करो, और इस दास के रूप में आएगा तो आप जाते ही दंडवत प्रणाम करोगे जैसी आपकी आस्था, यानी वो फिर अंतःकरण देखेगा। यहाँ तो आप झूठ भी बोल देते हो, कोई BDP है वो भी नहीं होगा, ना जी ठीक से मेरा नाम, मैंने कोई मर्यादा भंग नहीं करी, या कोई और अन्य पूजाएं करता है साथ में, तो वो तो वहाँ जाकर तो आपका
आपके समक्ष फिल्म चल पड़ेगी और आपका कैसा भाव है गुरु जी के प्रति वहाँ पता लग जाएगा। गुरु मीन भगवान के प्रति, तो वहाँ अगर आपके मन में दोष रहा तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। और कहते हैं वहाँ का गिरा फिर नहीं जाता, वहाँ का गिरा वापस नहीं जाता फिर कभी भी, ऐसा बुरा हाल हो जाता है इस प्राणी का। जब इतना कुछ यहाँ करवाया जाता है, समझाया जाता है, और फिर हम वही गफलत करते हैं, तो फिर अपनी करी कराई भक्ति का नाश हो जाता है। त्रिकुटी पर जाकर के परमात्मा आएंगे, वह बहुत बड़ा मेला लगा होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे को विष्णु जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, शिव जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, और ब्रह्मा जी का उपासक है वो भी वहाँ खड़ा होगा, दुर्गा का उपासक है वो भी वहीं होगा, ब्रह्म का उपासक भी वहीं होगा, और पूर्ण परमात्मा का उपासक भी वहीं खड़ा होगा। अब वहाँ बहुत बड़ा भीड़ होगी, मेला होगा, आप खोजोगे कि गुरु जी कहाँ हैं हमारे, तो गुरु जी दिखते ही आप दौड़े जाओगे, दंडवत प्रणाम करोगे, फिर परमात्मा आपको साथ ले जाएंगे, क्या जो तुम्हारा अकाउंट क्लियर कराते हैं, फिर जाएंगे धर्मराज के पास, यहाँ का जो अकाउंट रखता है न्यायाधीश, उसके पास ले जाकर परमात्मा कहेंगे जी इनका हिसाब करो, ये आपके ओम नाम की कमाई इनकी इतनी है, इतने इनके यज्ञ हैं, ये अपना डिपॉजिट करो और इनका कैंसिल करो, इनका ऋण जितना भी आपका है, और जो रही पाप वो परमात्मा के पास शक्ति है, वो पाप नाश हो जाते हैं इस सतनाम के दूसरे मंत्र से और सार नाम के मंत्र से, ये हमारे पाप नाश होते हैं इनसे, दोनों के योग से, अकेले से नहीं होते उसके, तो पाप हमारे नाश मिलेंगे, पुण्य जो के तू वहाँ विद्यमान मिलेंगे। तो वो काल के ब्रह्म से, वो ब्रह्म नहीं आता सामने, वो धर्मराज छोड़ रखा उसने कि ये काउंट करेगा, उसको हिसाब दे देंगे। फिर त्रिकुटी से आगे चलते हैं, फिर हम ब्रह्म रंध्र की ओर। अपने आत्माओं, काल ने बहुत ज़्यादा जुगाड़ जोड़ रखा है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त है अभी तक पता था वो बहुत ही सीमित ज्ञान था। अब जैसे यहाँ से त्रिवेणी होती है, त्रिवेणी तीन रास्ते हैं, आगे चल के त्रिवेणी का जो मध्य का रास्ता है उसको पार करके हम त्रिकुटी पर जाते हैं, और वहाँ फिर त्रिकुटी से आगे फिर ऐसे ही तीन रास्ते हैं, वो मध्य का रास्ता है, वो ब्रह्मरंध्र सेकंड ब्रह्मरंध्र है जो काल के निज लोक में प्रवेश करता है। अब ये ब्रह्मरंध्र मान रहे थे दसवां द्वार, दसवां द्वार हमने बारहवें द्वार को पार करके सतलोक जाना है, तो वहाँ पर धर्मराज का हिसाब करवा के फिर हम प्रवेश करेंगे ग्यारहवें द्वार में, इस अक्षर पुरुष के लोक में। अक्षर पुरुष का लोक यानी स्थान सात संख ब्रह्मांड का है, उसके अंदर से हमने जाना है, तो उसका ऋण हमारे ऊपर, वो सिर्फ इतना ही टैक्स हो जाता है वहाँ से वहाँ तक जाने का, उसका किराया है सतनाम के दूसरे मंत्र का जो तत् है उसका, तो वो परब्रह्म के लोक में हम इसको दे देंगे, परमात्मा साथ रहेंगे। फिर हम बारहवें द्वार में जाएंगे भवन गुफा पार करके, और वो सतलोक प्राप्ति होगी उस तीसरे मंत्र सार नाम से। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, मेरी सतर के सभी पूजाएं मुझे छोड़ दे, मुझे दे दे, फिर उस एकम सर्वशक्तिमान की शरण में जा। तो इस प्रकार व्रज माने जाना है, आना नहीं है, ये गलत अनुवाद करके अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद् गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का,
और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेदों वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों केतु इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने पांचों वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है, आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये पांचों वेद बाहर आ गए इस ज्योति निरंजन के काल के ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया और चार वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें दान, इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। तो अब हमने देखना है कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपनात्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला ज्ञान? ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में, उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्रीय विधिता का मनमानाचरण हो गया, तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंडी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बाज नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ माफ देख लूँगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया। उस झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस अधिकारी, अब उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी।
अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, हो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्माओं, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है, इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है, तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिलगी, एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है, और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ मीने धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा, पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते। लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताएंगे, वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, वो त्याग भी। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय घीसादास साहिब जी गाँव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है, उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का तो सूक्ष्म वेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। जैसे हम सोचा करते थे कि ये साधक घर त्याग गया, जंगल में चला गया, और वहां जाकर के कहते घर त्याग कर जंगल में चला गया। एक वक्त कह रहा था कि मैं ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश से मैं आगे चला गया, वहां कई व्यक्ति बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम कैसे बैठे हो, उन्होंने कहा कि यहाँ जंगल में गहरा था, वहाँ जंगल सा था, झाड़ बोझड़े थे, वहाँ एक बहुत बड़ा संत रहता है और तन पे कपड़े नहीं रखता वो, ना कहीं मांगने जाता है, नीवस्त्र रहता है, केले की एक छाल, केले के पत्तों से उसने अपने तन को ढक रखा है, और वो किसी के सामने नहीं आता, किसी को दर्शन नहीं देता। तो मैं भी वहाँ बैठ गया। कहते हैं वो कभी कभी निकल के आता है
तो एक बार कहते हमने ध्यान से देखा, जब उसकी तरफ देखा तब उसने हमें देख लिया तो एकदम मुंह पीछे को मुंह कर लिया और भाग के गहरा चला गया। तो वो बता रहा था कि यदि दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता, बस थोड़ी सी कसर रहेगी। अब उसको कौन समझावे क्योंकि ज्ञान है नहीं, साच कहूँ तो जग मारे भगवान कहते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़ें, कई साधना करते हैं ऊपर बैठ जाते हैं ऊंचे से स्थान पर जहाँ से सबको दिखाई दे कि वो बैठा साधक, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर टीले पर, ताकि दूर तक देखे बाबा जी तपस्या कर रहा है, दुनिया इकट्ठी हो जाए वहाँ पहुँचे उसकी वाह वाह हो जाए। कहते हैं डंब करें, डंब माने पाखंड करते हैं ये लोग, डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, और जग जाना यो बंदगी करे यो वो है सूल बबूल, ये तो काटे वो अपने अगत में जनता जाने बबोड़ी श्रद्धालु जाने भक्ति कराए। फिर क्या बताते हैं, केले की कोपीन है यानी केले के पत्ते का लंगोट बना रखा है शरीर पर कुछ नहीं, और फूल पान फल खाही नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाहीं, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाहीं, निस्तिन फिरो उजाड़ मैंने परमात्मा पावे नाहीं। के केले की पत्तियों की लंगोट बना रखा है, आदमियां तो बेदक भाग जा हैं भी मनुष्य के दर्शन नहीं करता, और फूल पत्ते फल खा कर अपना गुजारा करता है। कहते हैं वो तो जंगल के रोज हैं, रोज नील गायें धक्के खाते अंडे उनते भी नंगों भी नंगे फिरे हैं। जब तक सच साधना नहीं है, सच्चा मंत्र नहीं है, चाहे निर्वस्त्र रहे चाहे कितने वस्त्र पहन, चाहे लाल पहन चाहे पीले, कुछ आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब सच साधना मिल जाएगी तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपने कपड़े जितने आवश्यक हैं वो अवश्य ग्रहण करो, इन बकवादों में कुछ नहीं दिया। हम पहले जब गुरुजी के पास जाते थे, छुड़ानी गुरुजी आते थे हमारे, तो वहाँ और भी साधु जो नकली आते थे तो वो क्या करते थे, कई एक तो केवल एक बस एक कपड़ा बांधते थे पर्दे पर, तय मनसा घुटना तो ऊपर ताई का, और बाकी नी वस्त्र रहते थे शेष, उसको अवधूत कहते थे अवधूत। वो एक अवधूत बैठा एक दिन, और उसने उस सर्दियाँ के दिन थे, वो बैठा बरंडा में एक खम्भे का उस पिलर का कड़ लाएँ और नौका पर सारा नौका पर मैं आम भी उसके पास बैठ के, मैं महाराज जी क्या हो गया, बोला नहीं भजन कर रहा हूँ मैं, टट्टू भजन कर रहा है, जाडे में तो सांस नहीं आ रहा, भजन तो जब हो तेरे पास रजाई हो, आराम से बैठ कर भजन करिया, सच गर्मी कपड़े पहन ले तो भक्ति होगी आपसे। बोला चल चल अपना काम कर, हम अवधूत हैं हम कपड़े नहीं पहनते, बताए न कौन समझावे सिर फिरा ने, सारा कापन लाग रहा जाड़ बाजे, अन्यों का भजन करो टट्टू भजन, अब भजन की भक्ति ना तुम्हारे पास, तुम कर के रही हो पहली बात तो नाम नहीं है, गुरु बिन का उन पाया गया ना जो थोथा भूछड़े मुड़ के साना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो इस तरह की साधना करते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, उन नाम गणे महात्मा मान्या करते, गांव में भी ना तो आदमी नहीं देख के भीतर भाग अंदर भाग जाता है जंगल में। कहते वो जंगल के रोज हैं, आदमियां तो बेदक का बात जब मानस कोई बात हो यो आदमियां तो फटक है, मनुष्यों बेद का जाही और निस्दिन फिर उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही, तो सारा दिन उजाड़ में धक्के खाओ नो भगवान नहीं मिले, भगवान के पाने की विधि है वैसे ही मिलेगा। डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहना मोक्ष, और दुरुपर लाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के इस डेरे में के दोष, एक तरफ तो आप कहते हो ध्रुव भी पार हो गया प्रहलाद भी पार हो गया, और फिर खुद प्रेरणा करते हो कि ब्रह्मचारी रहो, ये कुछ भगत बताते इसको सारा अड़ंगा वो फैला रखा है न ज्ञानियों ने। एक भगत कह रहा था कि जी किसी को बता रहा था कि बोला मेरा गुरुजी तो बाल ब्रह्मचारी है, और भाई गुरु तो ब्रह्मचारी चाहिए गृहस्थी ठीक नहीं। तो उसे कोई भगत ने कहा कि भाई तेरे तू क्या है,
आप बताओ गृहस्थी हो या बाल ब्रह्मचारी हो, बोला ना मैं तो बाल बच्चेदार हूँ। फिर तू तो टिंडे लेगा ब्रह्मचारी के गेला, तुझे क्या मिलेगा? वो अगर भक्ति होगी परमात्मा मिलेगा तो ब्रह्मचारी नहीं मिलेगा, तू क्यों डलेड हो रहा है फिर उसके साथ? और परमात्मा कहते हैं डेर है डंड है खुश रहो और खुश रह ले ना मोक्ष, तेरे गुरु ब्रह्मचारी थे पहले तो वो इजड़े हैं, कति ब्रह्मचारी कंटिन्यू, कोई किसी प्रकार का खंड नहीं होता उनका, तो वो पार होंगे तेरे लाइन नंबर लेट देर से आएगा, उसमें दोष भी आ सकता है। तो कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा का विधि विधान है उसके अनुसार चलते हुए डेरे डांडे खुश रहो, यानी घर पे भी खुश रहो, ये चिंतित ना हो, और ये खुश रहे लहना मोक्ष द्रुपर लाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष बकवाद निस्वाओ भगवान ने, नियमित रहना होगा। अब सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए वो बताते हैं। अब ये लिखा है परमेश्वर कबीर साहेब जी ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपनी आत्मा प्यारी आत्मा को अपना हृदय खोल कर दे दिया पूरा ज्ञान जो का तू, ऐसे आदरणीय नानक साहेब जी को दिया था, आदरणीय गीसा दास साहेब जी को दिया था, लेकिन उन महापुरुषों के उन उस तत्व भेद को गुड़ रहस्य को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता, समझ भी नहीं सका, और उनके जाने के बाद उनकी वाणी संग्रह की गई है, तो वो वर्तमान में कोई कोशिश करता उनसे पूछने की तो अवश्य बता जाते, लेकिन नाम बताने का आदेश उनको नहीं था, इसलिए वो नाम अभी तक गुप्त रहा सतनाम। अब पूरा सिख समाज कहता है सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, अब ना तो न सतनाम का बेरा ना न वाहे गुरु का बेरा, अरे वो रटला रहे उसकी, अब ना पता वो सतनाम कौन है ना पता वो वाहे गुरु किसको कहा। तो गरीबदास साहेब जी कहते हैं कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म वो सच सतपुरुष हमें मिले और नानक साहेब जी को मिले तो, और अब्राहिम सुल्तान अदम को वही मिले, दादू जी को वही मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर होया। फिर गरीबदास जी कहते हैं जाखी वे कबीर की नानक की तीवा, अरवा सिखा गया गल पड़ी कौन छुटावे था, जाखी देख कबीर की, ओए होए जाखी माने नजारा, जैसे 26 जनवरी के ऊपर अपने भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक स्टेट प्रत्येक राज्य में जो कुछ भी प्रोग्रेस कार्य हो रहा है, कोई ऐसा ऐसे कोई स्थान है विशेष, तो वो एक ट्राले के ऊपर ट्रैक्टर की ट्राली में उनके अलग अलग से एक बनाए जाते हैं चित्र, उनके एक मॉडल बना कर रखे जाते हैं वो दिखाने के लिए, तो वहाँ कहते हैं ये हरियाणा प्रांत की झांकी आ रही है, देखिएगा झांकी में नज़ारा, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, फिर पंजाब प्रांत की झांकी आ रही है, ये देखिए इसमें क्या क्या वहाँ की क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं, तो ऐसे सतलोक की झांकी देख कर नानक की तीवा, ओए होए वाह वाह गुरु, ये है वो परमात्मा, वाह वाह ये है वो असली स्थान जहाँ सारा ही सुख ही सुख है, वहाँ तो खचड़ा भरा मृतलोक में। और फिर परमात्मा ने क्या कहा था, जब सतलोक में पहुँच गए नानक साहिब जी की आत्मा और परमात्मा जो नीचे से जिंदा रूप में उनके साथ गए थे, वहाँ वही जिंदा वाला रूप तकत पर विराजमान हो गया, और फिर नानक जी से कहा था कि प्यारी आत्मा आप काशी में जाइए, वहाँ मैं प्रगट हूँ जुलाहे रूप में, कबीर नाम है मेरा और मेरा ओरिजिनल नाम भी सत हक्का कबीर है, सत कबीर है। अब नानक जी को की आत्मा को तीसरे दिन छोड़ा, वापस भेज दिया, उधर से उनको दरिया में डूबा हुआ मान लिया, तीसरे दिन फिर वो पहुँचे वापस, तो उस दिन से वैराग लेकर के चल पड़े वहाँ से, संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी उनको। तो परमात्मा की खोज के लिए वो पहुंच गए फिर बनारस में, काशी में जाकर देखा एक जुलाहे की भूमिका करते हुए दानक रूप में परमात्मा को, और जो सतलोक में सचखंड में देखा था वो इनू कानू सामने बैठा। तब नानक साहब ने कहा था गुरु ग्रंथ साहिब में पहले मैले की वाणी 24 पृष्ठ पे लिखी है, 24 पन्ना पर गुरु ग्रंथ साहिब में,
के फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार, ये धानक रूप रहा करतार, वहाँ खड़े होकर आख्या मग पानी आवे। तब कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतलोक में सतलोक देखा जब करा था वाह 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 हो, जैसे एक बहुत खुशी में आदमी बोलता है वाह भाई वाह हो हो हो, जैसे ये एक अंदर की खुशी प्रकट करते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, झांकी वेख कबीर की सतलोक में नानक की तीवा, अरुआ सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था, इवन वाहे वाहे तो वाहे गुरु तो गोट लिया, इन पता नहीं वाहे गुरु है कौन, कहते सिखा गलपड़गी भी इसने कौन छुटवावे इन ते, तो ये ज्ञान छुटवाएगा। ऐसे ही एक भगत के सामने एक भगत कह रहा था, मैंने उसको ये कहा कि भी नान झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था, तो वो भगत सरदार जी कहता सिख ने बोला साड़ी तो छुट गई भाई, ने बोला मारी तो छुट गई, हमें तो पता लग गया ही सच्चाई क्या है, और औरा की भी छुटवावेंगे समझावेंगे सबको, सच्चाई तो मानना ही पड़ेगा लास्ट में। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान की अपनी लैंग्वेज में जो वर्णन किया है, उसमें एक वैद्य का अंग है, वैदा माने यूजलेस, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, उसको व्यर्थ वैधा कहते हैं। वैधा सट दर्शन सट वेख कहावें, बहुविध धुंधू दौर मचावें, ये तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी वैधा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। यानी क्या बताते हैं कि सट दर्शन सट भेख कहावें, सट दर्शनी संत, ये छह भेख हैं, छह प्रकार के ग्रुप हैं, एक सन्यासी, नागा, गिरीपुरी और ये वैष्णो, इस तरह ये छह, ये दस नामी, ये सट दर्शन सट भेख, सट माने छह, सट भेग कहावें और बहुविध धुन धूं धार मचावें, इनकी साधना देखे तो इन्होंने सोचा भाई तो तोड़ पाड़ रहे हैं, जैसे क्या करते हैं, एक समय की बात है, हमारे गांव में एक बल्लेगिरी गांव बाबा जी यानी नाथ परंपरा से है वो, और दूसरे गांव में रहता है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं, उनको ज्ञान नहीं, उनको जैसे कोई कह वैसे मान लेते हैं संतों की। तो उसने वहां पर जून के महीने में 41 दिन का एक वो रखा था तप, धुनिया के बीच में बैठना, पांच अग्नि जला लेते हैं चारों तरफ और बीच में बैठना होता है 3 घंटे, वो 11 बजे से और 1 बजे तक बैठा करता है, और फिर सुल्फे पाड़े अपना बैठ के अलग से, सुल्फे नरे सुल्फे पियो उड़े नौके थे 80,000 का, तो सुल्फा पी गए वो वीर उसके और साथी और गांव के लोफंडर टाइप के थे वह, और उसमें 7-8 लाख रुपये उसका दान आया था। तो वो क्या करता था, हमने एक फिल्म बनवाई थी उसकी, वो जैसे भी प्रक्रिया कर रहा था, वो क्या करता था, बड़े बड़े तो जटा थी उसके शरीर पर, केवल एक लंगोट बांध रहा था, पूरे शरीर पर बाल्टी में राख घोल के पानी में और पूरे शरीर पर लेप कर लेता था, पूरे पर मुंह पर और सारे कमर पर पैरों पर, और पांच अग्नि जला दी जाती, पांच दोने अलग अलग और बीच में बैठ जाता, जब वो पूरे सिलग लेते ना उपले और फिर वो धंधकने शुरू हो जाते, जब बीच में जाकर बैठ जाता, और जो उसकी बड़ी जटा थी पूरी भारिया बड़े और भी उसमें जोड़ रहा था बांध रहा था कुछ और भी बाल बोल, तो उनको बाल्टी में राख वाली बाल्टी में पानी में पूरा अंदर डाल के और उसको पूरा गिल कर लिया, गिच पूरा गिला करके और ऊपर लपेट लिया सिर पर, बैठ गया।
अब उपलों की अग्नि, उपले गोस्से जो सलग सलग लेने के बाद उसके बाद अपने आप उनके ऊपर राख लगनी शुरू हो जाती है, और उस राख में इतनी रजिस्ट्रेशन पावर होती है, रेजिस्टेंस पावर है अग्नि को, वो अपने आप रोकना शुरू कर देती है। वह धीरे धीरे मंदी तो अग्नि पड़ जा, आध घंटे के बाद अपने आप उसके ऊपर राख आनी शुरू हो जाती है। और फिर उसने सारे का गिल्ली राख लपेट रखी, लीप रखा, मड प्लस्टर रख रखा, अब वो नहीं आँच ना आने दे, अंदर नहीं जाने दे। और जब वो जहाँ से भी अधिक आँच लगेगी वो सूखने को हो जाता है, तो उसने वो बाल खोल लियो पूछड़ सा, वो नो लटका लिया पाछे ने, और जिस साइड में भी उसने गर्मी लगती है उसको उसको ऐसे मार लिया सिर से, वो पूछड़ सा सारे का गिल्ला उसने फेर कर दिया राख ने। ऐसे वो 3 घंटे बितावे, और औरतें गांव के भोले बाड़े उसकी परिक्रमा करें, अग बेड़ा पार होगा, तो बेड़ा गर्क करे था तुम्हारा। तो यहाँ क्या बताते हैं, सट दर्शन सट बेक कहावे, बविद धुन धू दौर मचाऊ, जो खुद वह तोड़ पाट रहा जून के महीने में, तो वैसे बार ना खड़ा हुआ था हरियाणा पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में था, और वो बैठा बार कति सोचे बड़ा जिन्हें तो तोड़ पाट दिया, यानी धुन धू धार मचावें डूडा ठारे, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दून दू धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिनो नहीं निज नाम बिचारे, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उवा बाई बकदा। आए है कहते माला पैर ली 4 गले में, बाबा जी का बेस बना लिया, इस तरह मोक्ष मोक्ष हो गया। और सटदल उवा बाई बकदा, उवा बाई बकरे, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है। और वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, गीता में कहीं नहीं लिखा ये नाम तुम जाप करते हो ये करो, या गीता जी में और वेदों में कहीं नहीं लिखा जो हठ योग तुम करते हो ये करो, फिर उनको पढ़ने का क्या लाभ हुआ आपको। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, बारह बाट बिटम्ब बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सट दर्शनी जो साधना करते हैं इनके अंदर जीवन नाशक साधनाएं हैं, या भक्ति ठगोरी है, ठगी की भक्ति है। और बैरागी बैराग न जाने, इनको बैराग का पता ही नहीं, बैराग घर त्यागने से नहीं आत्मा में होता है, परमात्मा के की तरफ विशेष कसक हो, सब विकारों से अपने आप हट जाएगा, वो है वैराग। और बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, सतगुरु के बिना वो यथार्थ मंत्र मिले नहीं, तो वो निशाने पर चोट लगे नहीं तो बात बने नहीं। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कथ निसारा, भूल गए ये ब्रह्म द्वारा, इन ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना। सुन सन्यासी कुल कर्म नासी, बग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति ना कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे, जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुण हीना, नगन निराशा तन कुतरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। अब कहते हैं जंगम जैनी और फोकट फैनी, इनके पास खख नहीं है जो साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर रहे हैं। और नाम ना चीना गुरु गुण हीना, यानी नाम सही नाम मिला नहीं, पूर्ण संत उनको मिला नहीं, इसलिए गुरु जी से मिलने वाले जो गुण थे उनसे हीन रहे, उनको ज्ञान नहीं हुआ। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वैदा है भूले रोगी, रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे, ये भी वैदा है। और कहते हैं वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ नहीं खुले, इन्होंने वेदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, गीता जी को पढ़ा, कहते इनकी कहानी और बना ली इन्होंने, जो गूढ़ रहे से ये समझ नहीं सके, इनसे अर्थ नहीं खुले। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 18 में ये अपनी साधना को स्पष्ट कर रहा, अनुतम है घटिया है मेरी, क्योंकि ना जन्म मृत्यु अर्जुन तेरा समाप्त हो ना मेरा हो, मेरी शरण में रहेगा युद्ध तक करना पड़ेगा,
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में कहा कि तुम मेरी मेरे मन वाला होगा तो मुझे प्राप्त होगा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे प्राप्त होगा। उसकी शरण में जाना है, परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि सर्व भाव से उसकी शरण में जा, उस परमेश्वरी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं इन अर्थ खुले नहीं, पढ़े लेकिन अर्थ नहीं खुले, इनको अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करना बठा बठा दिया इन्होंने। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया कि मेरी शरण में आ जा। श्री कृष्ण तो की शरण में तो पहले ही अर्जुन कह रहा है 2वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो काम हो बात हो वह बताओ मैं के करूँ। वो तो शरण में पहले ही था। अभी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अर्थ करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, तो पहले है उसकी शरण में। तो ये कहा है कि सर्वधर्मान परितज एकम शरणम व्रज, उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, व्रज माने जाना होता है। तो यह कहते वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, यो भी वैदा है वैदे से भेद अलहदा। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, ये पांचों नार पचीसों लड़के धुंधुं धार मजावे हैं। अब कहते हैं बैरागी और सन्यासी सेवड़े ये शरीर के ऊपर राख रमा ली और घर त्याग दिया, सन्यास ले लिया, चले गए। अब परमात्मा कहते हैं कि पांचों नार पचीसों लड़के ये धुंधुं धार मचावे हैं, एक नारी त्याग दिनी पांच नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए हैं, कहते हैं उनको भी सत साधना के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। आप तो जाते हो घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर के ये भक्ति में बाधा करते हैं, जंगल में चले गए सैल वहाँ करी, और सुखदेव तो आसमान में जाता था स्वर्ग में। अगर ये धक्के खाने तो भगवान मिले तो वो तुमसे ज़्यादा खाता था, स्वर्ग तक पहुँच जाता था, और फिर भी ना मिला। एक नारी त्याग दिनी पांच नारी गैल वे, एक औरत को भक्ति बाधक जानकर त्याग कर तू जंगल में चला गया तो तेरे साथ पांच बाधक और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको त्याग बेटा जब तू वैरागी होगा। एक स्त्री को त्याग देने मात्र से तेरी बाधाएं खत्म नहीं हुई। अब क्या बताते हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, एक दिन भूखा रह सके है, दो दिन मुश्किल से निकाल लेगा, तीसरे दिन फिर कटोरा लेकर गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, दिए माई धक्के खा। अब परमात्मा कहते हैं जंगल में रहेगा तो ओले भी पड़ेंगे, ठंड भी पड़ेगी, गर्मी भी लगेगी, तो उसके लिए झोपड़ी भी डाल ले इन ऋषिया ने, घर छोड़ के गए ये सारी व्यवस्था करनी पड़ी, सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी जुगाड़ जोड़ा कि मैं कोई गुफा बनाई या कि तौर फंड करे। और जब सारा कुछ बना बना घर में है, अपनी भक्ति भी कर, बच्चों से भी करवा, मार्ग पर लगा सक, मूल उद्देश्य यही जानो, दो रोटी भगवान ने दे दी है, आप व्यवस्था करेगा तुम्हारी। हम भूल गए माँ के पेट में भी भगवान ने हमें दिया, अब बाहर भी वही देगा। एक समय एक माई के बच्चे ना हो थे, एक साधु संत वहीं रहा करता था डेरे में, डेरा था पहले, दूर हुआ करता गांव से, तो उसने कहा माई तुझे संतान हो जाएगी, प्रथम पुत्र जो तुझे हो वो मुझे दे देना। अच्छा महाराज कि पक्का वायदा करना कि जी पक्का करूँगी। उसको जब देना, जब वो थोड़ा ना समझ सा रहे, समन से पहले मुझे दे देना, पाल पोस देना, साल दो साल तक बस, ज़्यादा नहीं, और तब तक तुझे और संतान हो जाएगी दूसरा पुत्र, तब मुझे दे देना। ऐसा ही हो गया, वो प्रथम पुत्र उसको दे दिया, उस
साधु को दे दिया, दूसरा पुत्र हो गया, दो कन्याएं होगी बाद में। अब उस साधु ने किस लिए ये डिमांड करी थी, ये प्रथम पुत्र मुझे दे देना कि बुढ़ापे में यो मेरी सेवा कर देगा, मैं बूढ़ा होऊंगा जब यो बच्चा, और बचपन से इसको ले लूँगा तो घर वाले में मोह बने नहीं, इसने पता नहीं लागे कौन मात पिता दे रहे। तो ऐसी दृष्टिकोण से उसने उस बालक को 14-15 वर्ष तक डेरे से बाहर नहीं आने दिया। और डेरे में जो औरतें जाती थी, पहले एक रिवाज थी कि बूढ़ी ठहरी जाती थी, लड़की को नहीं जाने देते थे ऐसे। और वो खुद गुरुजी जो थे गांव से भिक्षा मांग कर लाते थे, उस चेले को वहीं अलग ही रखते थे कि इसको कोई संसार की भावनाओं से ना बह जावे, इसमें कोई दोष ना आ जावे, इस दृष्टिकोण से। एक दिन वो बूढ़ा बीमार हो गया, महात्मा जी चालन जोगा रहा को नहीं, तो उसने कहा बेटा जब भिक्षा मांग ला, तेने भूख लाग रही होगी, मुझे तो इतनी भूख है नहीं, तुझे जरूर लग आई होगी, ऐसे करना इस गली में जाना सामने, और सामने वाली गली में दो घर छोड़कर तीसरा जो घर है उससे भिक्षा लाना, और के और नहीं जाना कहीं पर भी। और वो वही घर था उसी के अपनी माता और पिता वाला, इसलिए उसने कहा वहाँ से जाना कहीं और, इसके मन में दोष ना आ जा। वो गुरु की आज्ञा अनुसार सीधा वहीं पहुँच गया। अब उसने भगवा बाणा बना रखा, आटा मांगण के बाद जोड़ी साथ में ले रखी, डंडा लठ ले रखा जैसे, और जाके कहा माई भिक्षा देना। अब उस माता ने माई ने कहा अपनी बेटी युवा हो रही थी वह लड़की 13-14 वर्ष की थी कि जा बेटी बाबा जी का भोजन गा ला। उसने देखा कोई ना कौन है, वो आटा लेकर आई और उस जोड़ी में डालना चाहा। वह छोटी लड़की थी युवा, उसकी सतन जो है दूधी छोटी छोटी थी, कपड़े से बाहर उपोक्सी हुई नजर आती थी। अब उस संत ने कहा, उस भगत ने कहा, उस गुरु के चेले ने, उसको क्या था कि उनके गुरु जी के एक बार फोड़ा हो गया था छाती पे इसी स्थान पे, और अच्छा बढ़ गया बाल तोड़ सी इतना लंबा, और बहुत पीड़ा हो रही थी। गुरु जी रोया करते थे बैठकर काफ़ी देर तक, दवाई जड़ी बूटी पहले ऐसी थी, वो दवाई भी इसी होया करती, दूना दर्द कराया करती, फिर असर कराया करती। तो वो दृश्य उसके सामने घूम गया बालक के, कि गुरु जी बहुत दुखी हुए थे एक छोटे से फोड़े पर, इस बहन को तो दो हैं और भी जो ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। उसने कहा ये बहन आपके ये फोड़े हैं, इनको आश्रम में आ जाना, गुरु जी ठीक कर देंगे, उनके पास दवाई है, आप वहाँ आ जाना। तो वो लागी गाड़ दिन ढेर, इतना शर्म नहीं आती, तो अपनी बहन के बोड़े फोड़े ठीक करवा ले, तो जो कर ले, 37 गाड़ सुना दी। अब वो असमंज में पड़ गया, भैया बहन क्यों ऐसे बोल रही है। तब उसकी माँ आई, आवाज़ सुन के कहने लगी भाई क्या बात होगी, बाबा जी क्या बात है बेटी, क्या कह दिया महात्मा ने, अग्नों का जो दुष्ट बोला आजा तेरे फोड़े ठीक करवा दूँगा आश्रम में। तो उसने कहा माई मेरे गुरु जी के फोड़े हो गए थे, छाती पर था एक फोड़ा, और उस तो बहुत दुख पाया करते थे, मैं तो वैसे कहा था बहन आपको भी पीड़ा हो रही होगी वहाँ जाना। तब उसकी माँ ने कहा बाबा, उस वक्त जानगी कि बोला भगत से, इसने पता कोई ना सारी कहानी का। फिर उसने बताई कि महाराज जी ये बेटी है मेरी, और फिर इसका विवाह होगा, ये फोड़े नहीं है, इसका विवाह होगा, विवाह होने के बाद इसका संतान होगी, और संतान जब होगी तो इन सतनों में दूध है उस बच्चे के लिए, इसलिए ला रखी भगवान ने कि उस बच्चे के लिए दूध आवेगा, इनमें दूध इससे पिया करेगा वो। फिर उसने महात्मा ने सोचा पूछा कि माई कब होगा इसका विवाह बेटी बहन का, कि अभी तो बेटा या बालक है, एक दो वर्ष में इसका विवाह करेंगे, और फिर संतान एक दो वर्ष के बाद संतान भी होगी। अच्छा, तो भगवान को इतनी चिंता है कि उसके गर्भ में बच्चा होगा, बच्चा बाहर आएगा, और फिर वो दूध भगवान इसके सतन में भेज देगा। हाँ ठीक समाई, वो चल पड़ा वहाँ से, और वो जोड़ी उड़े फेंक आया, वो जो मांगन वाली ले रहा था साथ में अन्ना भिक्षा ले कर गया, वहीं फेंक कर वापस आ गया। वापस फेंक कर आ गया तो गुरुजी ने पूछा बेटा क्या बात है,
भिक्षा नहीं लिया अक नहीं गुरु जी। परमात्मा ऐसे ऐसे मैंने कहानी सुनी है भगवान की कि बच्चा बाहर आने से पहले उसके दूध की व्यवस्था कर देता है। हाँ क्या की बात होगी। तो फिर गुरुदेव अब हम अपने भोजन की चिंता हम करें तो हमारे जैसा नालायक नहीं, जब हम उसके लिए बैठे हैं यहाँ पर, फेंका जोड़ी में तो आप पर देगा भगवान। वो बाबा जी ने सोचा अच्छा नालायक टकराया, यू मन नहीं भूखा मारेगा रात भी मरेगा। अब उसको विश्वास नहीं था, उसका बालक था, वह बात दृढ़ होगी क्योंकि पिछले संस्कार भी होते हैं, जो इस तरह की बातें विश्वास होता है। वो बैठ गया एक लो जाके, बाबा जी लाचार, वो चल नहीं सके था। उसके मुंह का नहीं देखे, बेटा तू उठा लो जोली ने, अगर नहीं गुरुदेव और आपकी सारी बात मानूंगा पर ये नहीं मान सकता मैं। अब वहाँ गांव में नगर में उस गांव में पता चला कि भी बाबा जी बीमार हो गए, महात्मा तो बीमार हैं और चेला नालायक से वह जोली भी अड़े फेंक गया। तो प्रत्येक ऐसे बात फैल गई गांव में, तो कई घरों में 10-15-20 घरों ने क्या सोचा, रोटी बनाओ फटाफट, भोजन तैयार किया, खीर तैयार किया है, बढ़िया भोजन सब्जी बनाई, रोटी दूध लेकर के और चल पड़े। वहाँ पहुँचे महाराज जी, पता लग गया था भगत ने वहाँ पर जोड़ी वहीं फेंका, थैला भी आटा नहीं लाया और भोजन बना के लाए हैं, खीर भी खिचड़ी भी ले खा लो। बाबा जी ने सोची भाई चलो रोटी तो खा पहला जिसी खाई जा, राजा बेटा तू भी खा ले, बैठ के खान लग गया। आखा देखो इतने में दूसरा आ गया, इतने में तीसरा आ गया, उड़ लाइन लाएगी 20 आ गए, नू ले लेगा रोटी, बाबा जी रोटी लाए रोटी लाए। तब उस बाबा जी की आँख खुली रह तरह के, जब भैया भगवान जब यहाँ ऐसे दे रहा है और हम मांगते फिरें। जब उसने कहा कि जब भगवान 4 साल पहले एडवांस हमारी व्यवस्था किए हुए है तो क्या आज नहीं उसको ध्यान है हमारा। तो पुण्यात्मा ये उदाहरण है, आप हमारा इतना विश्वास ना बढ़ता, हम केवल कर्म करें क्योंकि हम इस योग्य हो गए यहाँ कर सकते हैं, और फिर उस पर विश्वास करें, फिर देखना। अब जैसे कबीर परमात्मा जी थे, यह कथा लंबी है फिर सुनाएंगे, अपना कपड़ा बुनते थे, जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करते थे, परमात्मा का अपना परिवार कोई नहीं था। मुंह बोले 2 लड़के थे, जो लड़का और लड़की 2 बालक थे जिनको मृत जीवित किया था किसी कंडीशन पर, और माता पिता थे वो भी, उनका जन्म नहीं था, परमात्मा स्वयं आकर प्रकट हुए थे, नीरू और नीमा ने केवल उनके उठा ले गए थे बच्चे रूप में, परवरिश की लीला हुई थी। तो वो 4 सदस्य और थे, एक परमात्मा उससे अपना गुजारा करते थे, और बाकी जो बचता था उसको भी पुण्य में लगाते थे। फिर किसी ने झूठी चिट्ठियां डाल दी थी, 18 लाख व्यक्ति आ गए थे एज ए गेस्ट, तो परमात्मा ने उन 18 लाख को 3 दिन तक मोहन भोजन खिलाए थे। कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।